सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पुनरावृत्ति कार्य लेंगे। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसी को आज हम पुनरावृत्ति में लेंगे। हमने पहले लिए हैं सही जोड़ा बनाओ, यानी सुनने वाला। दूसरा लिया है जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए। फिर सुख देने वाला, अपने देश की वस्तु, सत्य बोलने वाला। ये पांच हमने लिए हैं और पांच ही इनके आगे ये शब्द हैं। सुखद है, सत्यवादी है, संग्रहालय है, श्रोता और स्वदेशी है। तो सुनने वाला यानी कि जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं हम, श्रोता। जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए यानी वस्तुएं इकट्ठी की जाएं, उसको क्या बोलते हैं। आपको सही जोड़े खुद बनाने हैं, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, संग्रहालय। सुख देने वाला, जो सुख देता है उसको क्या बोलेंगे हम, सुखद। अपने देश की वस्तु यानी जो अपने देश में बनी है उसको हम क्या कहेंगे, स्वदेशी। और सत्य बोलने वाला, आप जानते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो इसी प्रकार सत्य बोलने वाला क्या बोलेगा, सत्यवादी। तो आपको ये सही जोड़े खुद बनाने हैं। उसके बाद में नंबर टू हमने लिया है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। यानी जो शब्द आपको रेखांकित किए गए हैं उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है और वाक्य को उन्हें लिखना है। जैसे मेरी माँ भगवान में विश्वास रखती है, यानी भगवान में विश्वास रखती है, भगवान की पूजा करती है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मेरी माँ आस्तिक है। क्या लिख सकते हैं, मेरी माँ आस्तिक है, आस्तिक है। इसी प्रकार आपको नीचे वाले वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे दूसरा वाक्य है, गांधी जी अपने देश की वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते थे, तो क्या लिख सकते हैं, गांधी जी स्वदेशी, अपने देश की मतलब स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते, आपको स्वयं लिखना है। तीसरा है, बाल हंस 15 दिन के दिन में एक बार आने वाली पत्रिका है। यानी बाल हंस जो है बच्चों के पढ़ने की एक मनोरंजक पुस्तक है, वह 15 दिन के अंतराल पर आती है, तो 15 दिन में एक बार आने वाली को क्या बोलते हैं, पाक्षिक। आपको यह ध्यान भी होगा, पाक्षिक बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाई भी था। तो क्या लिखेंगे, बाल हंस पाक्षिक पत्रिका है, पत्रिका है, बाल हंस पाक्षिक पत्रिका है। उसके बाद अगला लिया हमने, राजनीति से संबंध रखने वाली, देखिए अंडरलाइन किया गया इसको, राजनीति से संबंध रखने वाली घटनाएं समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर रहती हैं। राजनीति से संबंध रखने वाली घटनाएं समाचार के मुख्य पृष्ठ पर, तो इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, यानी राजनीतिक, राजनीतिक घटनाएं समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर रहती हैं, तो आप स्वयं लिखेंगे, राजनीतिक, राजनीतिक घटनाएं समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर रहती हैं, मुख्य पृष्ठ पर रहती हैं। नंबर तीसरा लिया हमने, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें कुछ वाक्य हमने दिए हैं, उसके लिए एक शब्द आपको स्वयं लिखना है। मैंने आपको करा रखा है, आपने लर्न भी किया होगा, तो इसको आपको स्वयं करना है। मीठा बोलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, मृदुभाषी। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। जो बोल नहीं सकता, मूक। जो कठिनाई से मिले, अपने आप ढूंढेंगे, जो कठिनाई से मिले उसको हम क्या कहेंगे, और जहाँ पुस्तक रखी जाती हैं उसको हम कहाँ क्या बोलेंगे, ये आपको स्वयं करना है। आप सही से सुंदर से काम को करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।